नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय ने रणदीप को बताया भेड़िया, बोले सुरजेवाला के पिता की वीडियो देख लो, महिलाओं के प्रति विचारधारा पता चल जाएगी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा भाजपा नेत्री हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। यही नहीं, अनिल विज ने भड़कते हुए रणदीप सुरजेवाला के स्वर्गीय पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला पर भी बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी के बारे में विवाद बयान देना कोई नई बात नहीं है, यह कांग्रेस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है। विज ने कहा है कि महिलाएं कैसे घरों से बाहर निकलेगी, इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। सुरजेवाला को मैं बता दूं कि क्या इनकी विचारधारा है, क्या इनकी सोच है। इनके पिता की एक वीडियो वायरल हुई थी, वह निकाल कर देख लो। अनिल विज ने दिखाए तेवर, बोले मेरा क्षेत्र अंबाला कैंट, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। मीटिंग में बड़े नेता जाते हैं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी कम नहीं हो रही है, अब उनके तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। विज ने दो टूक कह दिया है कि उनका क्षेत्र अंबाला कैंट विधानसभा है, वह इससे बाहर नहीं निकलेंगे। यही नहीं, भाजपा की लोकसभा चुनाव की बैठकों में न जाने के सवाल पर विज ने कहा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मीटिंग में बड़े बड़े लोग जाया करते हैं। हालांकि विज ने टिकटों को लेकर कोई नाराजगी नहीं दिखाई है। उनका कहना है कि अंबाला सीट से उम्मीदवार बंतु कटारिया उनसे मिली है, मेरे लिए टिकट किसे मिलता है यह मायने नहीं रखता। हरियाणा में हिसार कैंडिडेट बदल सकती है बीजेपी। कांग्रेस से आए बॉक्सर विजेंद्र को टिकट संभव, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी समेत तीन बड़ी वजह। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र की बीजेपी में एंट्री से हिसार सीट में हलचल मच गई है। राजनीतिक गलियारों में यहां से पहले घोषित उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को बदलने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि चौटाला की जगह यहां से विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस बारे में भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मगर जिस तरीके से पहलवानों के यौन शोषण केस में खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले विजेंद्र की बीजेपी में एंट्री हुई है, उससे उन्हें लोकसभा कैंडिडेट बनाने के कयासों को जोर मिल रहा है। इसके अलावा कैंडिडेट बदलने के पीछे कांग्रेस की भजनलाल परिवार से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को टिकट देने की तैयारियों को भी वजह बताया जा रहा है। हरियाणा के जेबीटी शिक्षकों को झटका, आचार संहिता के कारण ट्रांसफर ऑर्डर रोके, स्टेशन मिलने के बाद भी टीचरों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। हरियाणा के जेबीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण टीचर्स के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। इससे जेबीटी टीचर ट्रांसफर किए जाने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हाल ही में जारी किए गए उनके पोस्टिंग आदेश कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर रोक दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार स्टेट लेवल पर हुए ट्रांसफर में लगभग 9200 जेबीटी को ट्रांसफर किया गया था। इस वर्ष हुए ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत टीचर का ट्रांसफर दूसरे जिलों में कर दिया गया था। हालांकि कार्यमुक्त करने या शामिल होने के आदेश 16 मार्च को जारी किए गए थे, जब चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई थी। इससे उनकी ज्वाइनिंग को लेकर संकट खड़ा हो गया है। फरीदाबाद में पुलिस कर्मियों की जूतों से धुनाई, स्विमिंग पूल में नशे में हुड़दंग कर रहे युवकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस कर्मियों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस कर्मी स्विमिंग पूल में हुड़दंग कर रहे युवकों को रोकने गए थे, वहां पर भड़के युवकों ने पुलिस के जवानों को थप्पड़ तो जड़े ही साथ में जूतों से भी धुनाई की। वायरल वीडियो में दिख रहा है पुलिस कर्मियों को हुड़दंगबाजों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सुबह सिंह ने पुलिस कर्मियों से हुई मारपीट की पुष्टि की है। वारदात को लेकर उन्होंने कहा कि वायरल हो रही इस वीडियो के मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस वारदात में कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई थी। पुलिस केस से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। रोहतक पीजीआई की इमरजेंसी की ऑपरेशन थिएटर के फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग। रोहतक पीजीआई के आपातकालीन विभाग की ओटी के फर्स्ट फ्लोर पर गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। इसका पता उस समय लगा जब वहां मौजूद कर्मचारियों ने धुआं निकलता देखा। इसके बाद कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही घटना का पता लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। जहां पर आग लगी वहां बिजली का बोर्ड भी था, वहीं आग लगने के कारण वहां पर रखी चादरें जल गई। हरियाणा में फर्जी कन्यादान स्कीम चलाने वाले दो मौलाना गिरफ्तार। 3 राज्यों के 1400 लोगों से 14 करोड़ रुपए ठगे, गिरफ्त में आए तो कान पकड़े। हरियाणा में लड़कियों की शादी में कन्यादान देने के बदले फर्जीवाड़ा की स्कीम चला रहे दो मौलानाओं ने 1400 लोगों से 14 करोड़ रुपए ठग लिए। इसका खुलासा तब हुआ जब एक शिकायत के बाद पलवल में रहने वाले ये दोनों मौलाना पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो दोनों कान पकड़े हुए नजर आए। पुलिस अब आरोपियों से उन लड़कियों और उनके परिवारों के बारे में पता कर रही है जिनसे उन्होंने ठगी की है। दोनों के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ठगी की है जिनके बारे में हरियाणा पुलिस लिस्ट तैयार कर रही है।